अगर यहाँ पे कोई एक अच्छा फार्म स्टार्ट करना चाहता है बिहार में, तो चाहे वो साहिवाल काऊ के साथ करे, गिर काऊ के साथ करे, थरपारकर के साथ करे, या एचएफ जर्सी के साथ करे, या भैंस के साथ करे, उसको बेस्ट क्वालिटी का ना काऊ यहाँ पे मिल पा रहे हैं और ना बफेलो मिल पा रहा है। तो हम लोग एक वर्टिकल ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग एक कैटल ब्रीडिंग फार्म शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लेकिन हम सबको पता है कि गवर्नमेंट का काम करने का क्या तरीका हो। तो कुछ ऐसे प्राइवेट लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास फाइनेंस का अच्छा खासा सरप्लस हो, तो वो कैटल ब्रीडिंग पे काम कर सकते हैं, जिनका सिंपल मकसद होगा कि काऊ को, मतलब जब से आपके फार्म पे काऊ आ गई, काऊ इन द सेंस काऊ भी हो या बछिया भी हो सकती है, उसका वो आप फर्स्ट डे से ही प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको आप दें, और उसके बाद जब वो काऊ आप सेल करें, तो आपके पास एक पूरा डेटा या लॉग बुक हो, जिससे कि आप सामने वालों को ये बता पाए कि ये काऊ को मैंने ये चीज़ फीड किया हुआ है, इसका इतना वेट है, और कुछ आप ये भी प्रोडक्शन कर सके कि इसका मदर का ये इतना मिल्क प्रोडक्शन था, इसका जो फादर है उसका ये डैमिल्ड था, जिससे कि आपको सामने वाले को ट्रस्ट हो। और जैसे कि अभी मोबाइल खरीदते हैं तो एक लॉग बुक मिलता है, या कोई गाड़ी खरीदते हैं तो लॉग बुक मिलता है, तो काऊ को वैसे तरीके से कर सके। अब मैं बात करूँ कि कैटल ब्रीडिंग में अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अभी केरला, सिक्किम या कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको क्या चाहिए कि साहिवाल चाहिए, हाजा ये मतलब 1,000 साहिवाल चाहिए, 2,000 साहिवाल चाहिए, 3,000 साहिवाल चाहिए, क्योंकि सारे राज्य सरकारों ने अब साहिवाल को कंपलसरी कर दिया है। तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि मैं भी बिहार के बाहर से ही काऊ परचेज करके लाता हूँ, बट मेरे को ये समझ में आया कि काऊ परचेज से ज़्यादा मेरे को कैटल ब्रीडिंग पे काम करना है, जिससे कि हम जो काम करेंगे वो तो हमारे साथ जो फार्मर्स जुड़ेंगे हम शायद उनके उनके लिए ही कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इस तरीके से काम करना चाहते हैं कि 5 साल के अंदर में कम से कम 20,000 से 25,000 फार्मर्स को अपने बिजनेस से इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो हम लोग में ऐसा नहीं कर सकते कि जो दूसरे राज्य का डिमांड है उसको फुलफिल कर सकते। तो अगर कोई कैटल ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड है, एक सिंगल ब्रीड को पकड़ के, ये नहीं कि सारे ब्रीड पे काम करें, एक सिंगल ब्रीड पे पकड़ के काम कर सकते हैं, जिससे कि जो आगे फ्यूचर में जो अच्छी काऊ का डिमांड होगा उसको फुलफिल।